तस्वीर से विखाई दे रहा ये उही निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है जिथे जन्मदिन की पार्टी दे करके कमरे चे दो विद्यार्थियों ने सारिया शर्मा ला एक अजिहे खौफनाक कारे नू अंजाम दे दिता कि एक नौजवान अपनी जान तो ही हथ धोना पै गया, जिस दी रिकॉर्डिंग होस्टल च लगे सीसीटीवी कैमरे च हो गई। पहला देखो वो वीडियो ते फिर थानू दसदे हाँ पूरा मामला। मामला है जलंधर का, जिथे अमन ते कृष्ण कुमार यादव नां दे बिहार तो आए दो विद्यार्थी इत्थे एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज च दाखला लै इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे सन। लंघी 8 जून नूं एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान दोहां च तकरार हो जांदा जो वधदा वधदा वध जांदा। बीते दिन इस तकरार के कारण कृष्ण कुमार यादव नूं अपनी जान तो ही हाथ धोना पै जाता है। नहीं सर, लड़ाई ज़रूर हुई है, कोई मर्डर नहीं यहाँ पे हुआ, ये अकस्मात था और कोई मर्डर वाली बात नहीं, आपस में बच्चों की लड़ाई हुई है। हाँ। और बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया। मैं उसने धक्का धुक्का लगा, कोई धक्का नहीं, डेड हुआ कोई? इट वाज ऑल कोइंसिडेंस, किसी ने धक्का नहीं, नहीं डेड हुआ है कोई? हाँ जी। क्या नाम है उसका जिसका डेथ हुआ? कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार यादव नाम का बच्चा है जी। और ये वार्डन साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं जो वहाँ पे रेजिडेंट हैं, वहीं पे रहते हैं, इन्होंने सारा देखभाल भी वहाँ पे यही करते हैं। और कोई ऐसा दो बच्चे गिरे थे वहाँ से? नहीं सर, दो बच्चे गिरे थे, वन इज सेफ, वो उसका इलाज चल रहा है। उसका क्या नाम है? अमन। कहाँ के रहने वाले? सही है, कौन से? दोनों बच्चे बिहार के। और कौन से बैच के थे ये? कौन से 19 बैच के हैं, ये 19 बैच के बच्चे हैं, लास्ट सेमेस्टर इनका चल रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहर के तत्वों ने इनके साथ के नीचे किसी है। नहीं धक्का नहीं मारा, सीसीटीवी फुटेज इज देयर, सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देख भी लिया, किसी ने धक्का किसी को नहीं मारा, स्कफल हुआ है छोटी सी बात को लेके, आपस में इनकी बात हुई है कोई, और उसमें ये एक दूसरे को लड़ते लड़ते, मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की करते करते वो नीचे गिर गया, किसी ने किसी को जानबूझ कर। इस संबंध च पुलिस ने दूजे विद्यार्थी अमन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जो कि इस वेले हस्पताल च जेरे इलाज है। तारीख को इनके ये दो कमरे हैं वहाँ पे C24 और C22, इनमें एक रूम में दो बच्चे जो शेयरिंग में रहते हैं, उन्होंने आपस प्रॉब्लम हुई सी, को बर्थडे पार्टी सी, तो कई बार बच्चे की फाइनेंशियली होंगी थोड़ा जहा बंदा बच्चा गरीब घर तो सी, तो उन्होंने आपस बच्चों ने सारे ने कॉन्ट्रीब्यूट करके तो जरा पार्टी की सी, उस अमन ने जिमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पाया, मे बी वो समर्था ना हो आपस थोड़ा बच्चों की जिम्मे जी छोटी तकरार होंगी क्योंकि कॉलेज इस तरह दकरार ही होंगे, कोई प्रोफेसनल तो उन्होंने आपस कोई रौला नहीं, तो तकरार कारण थोड़े बहुत इन्हों का आपस तू तू मैं हुई। बट रीसेंटली जो हम कल रात जोड़ा इन्हों आपस तकरीबन 10 बजे आपस से बहस बूस की, तो इन्हों का वॉचमैन ने आके इन्हों परे करता, तो दोबारा फिर इन्हों की 12:45 जी है 12:45 उदो इन्हों की आपस से दोनों की जी आपस लड़ाई हुई हथों पाई होना बिल्कुल जस्ट 3 सैकेंड्स का जी। मैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारी देखी है, वो बड़ा क्लीयर है और सारा कुछ वो मतलब हैगा और सारा दिखता है। सीसीटीवी में आपस वो आपस में जब लड़े हैं और उसके बाद साथ में ही ग्रिल के साथ जो दोनों का बैलेंस और दोनों नीचे गिर गए हैं और जिनमें से एक की डेथ हो गई है और एक जो इंजर्ड हुआ। हमने वहाँ क्योंकि जब लड़ाई थी वहाँ काफ़ी बच्चे भी वहाँ उस टाइम प्रेजेंट थे और वहाँ जो उनका वॉचमैन था वो बयान के उत्ते वॉचमैन दे असी जरा मुकदमा जरा 304 के दर्ज किया, तो परचे के खिलाफ दर्ज होया, हजे वो हॉस्पिटल के एडमिट है, तो आफ्टर उन्होंने डिस्चार्ज होने बाद अगली कर रहे। दोनों दोनों बच्चे प्रीवियसली बिहार के रहने वाले हैं, तो दोनों बी ए अपना इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, तो बी एस सी कर रहे थे, तो इन्हों दे ऑल फाइनल ईयर से। मापिया ने बच्चों के चंगे भविख लिए उन्होंने इन्नी दूरों तालीम हासिल करने वास्ते भेजा सी, पर विद्यार्थियों की निक्की जिही गलते हुए तकरार ने एक बच्चे की जान ही लै ली तो दूजे का भविख दा ते लगा दिता। हकीकत टीवी पंजाबी ले जलंधर तो दविंदर कुमार की रिपोर्ट।